हेलो नमस्कार, क्यूरियस रेसिपीज में आप सबका स्वागत है। आज हम बहुत ही टेस्टी डिलीशियस सूजी का हलवा बनाएंगे। ये हलवा बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। एक इंग्रेडिएंट ऐसा डाला है जो इस हलवे को हेल्दी और सुपर टेस्टी बना देता है। रेसिपी को पूरा अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे 3 कटोरी में मेन इंग्रेडिएंट सूजी, चीनी और घी लिया है। ये बारीक सूजी है। तीनों की क्वांटिटी बिल्कुल सेम होनी चाहिए, ना कम ना ज्यादा। ये जो चीनी है इसे मिक्सर जार में डाल के साथ ही इसमें 5 से 6 इलायची डालना है और इसका पाउडर बना लेना है। तो ये टिप है, इससे इलायची के छिलके वेस्ट नहीं होते हैं और इसका फ्लेवर भी बढ़ जाता है। ये पाउडर बनके तैयार है। सबसे पहले पैन में घी डालें। घी गर्म होने के बाद सूजी डालना है। अब इसे धीमी आंच पे 6-7 मिनट के लिए भून लेना है। ये जो सूजी है इसका कलर सुनहरा होना चाहिए। अब इसमें 10-12 काजू और 10-12 बादाम डालेंगे जो मैंने बीच से कट किए हैं। इसे 2 मिनट के लिए धीमी आंच पे भून लेना है। दो मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें 1/2 कटा हुआ केला डालेंगे। यही है वो इंग्रेडिएंट जो इस रेसिपी को हेल्दी और सुपर टेस्टी बना देता है। इसे भी सूजी के साथ 2 से 3 मिनट के लिए धीमी आंच पे भून लेना है। तो इस तरह से आप इसे मैश कर ले। केला अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच किशमिश डालेंगे। किशमिश को स्टार्टिंग में ना डालें। अगर स्टार्टिंग में डालेंगे तो ये डार्क हो जाता है। किशमिश को भी 1 मिनट के लिए धीमी आंच पे भून लेना है। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है। मुझे ये हलवा थोड़ा सा डार्क अच्छा लगता है। ये सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से भुन गए हैं। गैस की फ्लेम धीमी करके इसमें जिस कटोरी में सूजी लिया था उसी कटोरी से 1/2 कटोरी गरम दूध लेना है। दूध में थोड़ा सा केसर डाल के अच्छे से बॉईल किया है। इससे हलवा का स्वाद बहुत अच्छा आएगा। गरम दूध डालने से ये जो सूजी है बहुत अच्छे से फूलती है। इसे अच्छी तरह से मिला ले। ये टिप नंबर 2 है। अगर आप 1 कटोरी सूजी लेते हैं उसके लिए 2/2 कटोरी दूध लेना है। 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकने दे। 5 मिनट हो गए हैं, दूध पूरा सूख गया है। अच्छे से इसे मिला ले। अब जो चीनी का पाउडर बनाया था उसे छान के लेना है, जिससे जो थोड़ा बहुत इलायची का छिलका होगा वो भी निकल जाएगा। इसे अच्छी तरह से मिला ले। अब इसे 2 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकाना है। आप देख सकते हैं हलवा पक गया है। अब इसमें जायफल घिस के डालना है, साथ ही इसमें घर की तुलसी के पत्ते भी डालना है। प्रसाद के लिए भी ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है। और प्रसाद में तुलसी के पत्ते डालते हैं जिससे प्रसाद और पवित्र हो जाता है। तो आप देख सकते हैं हलवा बनके तैयार है। इसकी प्लेटिंग करेंगे। साथ ही मैंने 2 तुलसी के पत्ते रखे हैं।
हलवा बहुत ही रसीला, खिला खिला और बहुत स्वादिष्ट बना है। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।